हैं कि वो क्या बाजार पे इस वक्त रीडिंग रख रहे हैं। संजीव जी, ये बाजार पे आपको कैसा लग रहा है, रिवर्सल एकदम से किस वजह से आया, क्या बड़े फैक्टर रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं एक रिलीफ रैली तो दिख ही रही थी, हम तो 18-19 इन दिनों की इंतजार भी कर रहे थे, लेकिन आपके क्या बड़े रैशनल है कि ये बाजार में सेल ऑफ आ रहा है? हाँ, गुड आफ्टरनून। तो प्रियंका, देखिए, एक तरफ आपके पास यूरोप के चार आदमी यूक्रेन में है और पीस स्टॉक्स, मैंने आपको इसलिए 17-18 कही थी कि 17-18 को ये पीस स्टॉक विल फ्रक्टिफाई। रशिया इज सेंडिंग टीम टू इंडिया टू डिस्कस रूपी ट्रेड। अब इसमें क्या है कि जिनकी लीवरेज पोजिशन कोलैटरल में था, उन्होंने एक बार बेचना था और घबराहट डालनी थी, वो हो गई। इतनी बड़ी वॉल्यूम में आज जो सेल ऑफ आया है, दैट इज कॉल्ड फुल टर्म कैपिचुलेशन। और आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ डाउ फ्यूचर्स एंड ऑल टर्न पॉजिटिव, बिकॉज द फर्स्ट लेग विल बी द यूरोपियन लीडर्स मीटिंग, बिकॉज दे नीड द रियल, दे आर द वंस हु आर गेटिंग द रियल हर्ट। एंड सेकंड विल बी व्हेन बाइडेन ऑल्सो गिव्स इट। बाय द वीकेंड वी शुड होपफुली सी सम रेजोल्यूशन ऑन द यूएसएसआर यूक्रेन साइड। इसका मतलब क्रूड एंड अदर कमोडिटी सेल ऑफ एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स कम डाउन। नाउ स्टॉक्स आर गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी ऑफ द ईयर, यू कांट वेट फॉर इट। अदरवाइज यू कीप वेटिंग 14,000, देन यू शुड टॉक अबाउट 12,000, फिर आपसे कहीं नहीं लिया जाएगा। सो यू पुट इफ यू हैव मनी, इफ यू डोंट हैव स्टॉक मनी देन स्टे पुट, इफ यू हैव मनी देन बाय सम वेरी वेरी बिग ब्लू चिप्स, थ्री ऑफ विच आई कैन सजेस्ट नाउ। एब्सोल्युटली संजीव जी, खैर स्टार्टिंग ऑफ द वीक में भी संजीव जी ने ये तो कहा था कि इस हफ्ते को आप छोड़ दें, इस हफ्ते में आपको वोलेटिलिटी दिखेगी और इस हफ्ते के एंड तक शायद कई सारे मैक्रो फ्रंट पे, ग्लोबल फ्रंट पे सिचुएशन में ईज आउट होती दिखेगी, चाहे वॉर फ्रंट पे हो, इन्फ्लेशनरी प्रेशर को लेकर फेड के जो रेट हाइक्स है वो सब भी हो सकते हैं, वो सब फैक्टर इन हो गए बाजार पर। तो यस, बिल्कुल कॉल्स बताएं संजीव जी आपकी। तो टाइटन लीजिए यहाँ पे 2050 में, स्टॉप लॉस 1975, टारगेट ऑफ 2250, बाय डीएलएफ 304-305, स्टॉप लॉस 296, टारगेट ऑफ 330, एंड बाय एसबीआई कार्ड 705, स्टॉप लॉस ऑफ 690, टारगेट ऑफ 750। एसबीआई कार्ड और टाइटन, ये दो पिक्स रहेंगी संजीव जी की यहाँ से। ठीक है संजीव जी, एक सवाल और, क्योंकि जब हम यहाँ से बाउंस बैक करेंगे इस हफ्ते के बाद, आपकी अगर रीडिंग ये कहती है कि अगले हफ्ते से हम एक तेजी के दौर में शुरू हो जाएंगे, तो सस्टेन कब तक करेगी, कितने समय तक आपको लगता है कि बाजार में तेजी रहेगी? अरे आप पहले बाउंस तो कीजिए, अपने आप कवरिंग आएगी। जब माल लेने आएंगे तो ओवरसोल्ड टेरिटरी से बाउंस बहुत स्ट्रांग होता है। 16,800 तक जाएगी निफ्टी एटलीस्ट, 800 तो। और कौन से स्पेसेस आपको लगते हैं यहाँ सबसे पहले बाउंस पाएगा, क्या हेवी वेट्स होंगे या फिर कोई सेक्टर पसंद करेगा बाजार, कहाँ पर नजर होनी चाहिए? आईटी, मेटल्स एंड मिड कैप। ठीक है, क्या बात है, आईटी मेटल, बात तो कन्विक्शन से करते हैं संजीव जी, हमेशा मजा आ गया। आईटी और मेटल बताइए, यहाँ पर अभी कोई बात नहीं कर रहा है इस बात के, लेकिन संजीव जी इस बात पे बुलिश है। संजीव जी, ये मेटल्स पे मैं आपको समझना चाहूंगा कि मेटल्स जिस हिसाब से प्राइस नीचे आए हैं और सेलर की बाजार में सेलर्स की नंबर बढ़ती जा रही है, क्योंकि बहुत मल्टी ईयर बुल रन चल रहा था, आपको लगता है वो रिज्यूम करेगा? अजय जी, आज नहीं तो कल चाइना में लॉकडाउन खुल जाएगा, फिर क्या होएगा? वहां पे भी पेंट अप डिमांड है, इंडिया में भी आप देख रहे हो। एंड थर्डली, अगर रशिया यूक्रेन में पीस टॉक्स हो गई, द रीबिल्डिंग ऑफ रशिया एंड यूक्रेन ऑन द डैमेज साइड विल सी ह्यूज डिमांड फॉर मेटल्स, पर्टिकुलरली स्टील एंड फेरस मेटल्स। तो आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट दैट डिमांड विल सी अ सर्ज इन प्राइसेस। डिमांड इज एनीवे बीन लिमिटेड, अभी थोड़ा सा एक्सपोर्ट टैक्स एंड सो ऑन, बट यू कैन इमेजिन व्हाट्स रीबिल्डिंग ऑफ अ नेशन, इट विल हैव ह्यूज रेपरकशंस ऑन द पॉजिटिव्स फॉर सम ऑफ द स्टील स्टॉक्स। जस्ट फॉर योर एग्जांपल, स्टील व्हिच हैज अ वेरी बिग यूरोपियन आर्म ऑल्सो, you can imagine what the foray would be once their exports start over there and a lot of the other players like SAIL and JSW. ओके संजीव जी, बैंक्स में भी आज से बात करना चाहेंगे, अभी भी क्या सारे ही बैंक्स पसंद है आपको या फिर यहाँ पे सिलेक्टिव होने की जरूरत है, बड़े लार्ज कैप के साथ बैंकों के साथ जाना चाहिए इस माहौल में जिस तरह का मार्केट इस वक्त दिख रहा है? देखिए, इस ईयर में तो आप कुछ भी ले लोगे, तो अगर आप रख सको तो आप कमा लोगे। उसमें बैंक्स भी हैं, क्योंकि बैंक्स आर प्रॉक्सी टू ग्रोथ। आप देख ही रहे हो किस तरह से रीओपनिंग इतना स्ट्रांग है, एयरपोर्ट पे जगह नहीं है, आपके रेस्टोरेंट्स होटल्स में लाइन लगी हुई है और
और चौथा कैपेक्स इज पिकिंग अप वेरी वेरी स्ट्रांगली और कैपेक्स साइकिल पिकिंग अप मींस स्टेट बैंक चेयरमैन सेइंग दैट द क्रेडिट ग्रोथ इन द नेक्स्ट हाफ विल बी द स्ट्रांगेस्ट इन द लास्ट 5 years. अब या तो मैं दिनेश खारा जी से पूछूं जिनकी 25 लाख करोड़ की बुक है या मैं मार्केट से देखूं तो स्टेट बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा आईसीआईसीआई बैंक दीज वुड बी माय टॉपिक्स. ऑल राइट ठीक है थैंक यू सो मच संजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी रणनीति भी सुझाने के लिए. तो कुछ सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच इस पर रखने की जरूरत है. फंडामेंटल अच्छी क्वालिटी कंपनियों में निवेश करिए काफ़ी बेहतरीन मौके इस वक्त दिखाई दे रहे हैं.